अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, उम्मीद करता हूँ आप खरीद होंगे। डॉक्टर सोहेल जंजू आपको अपने यूट्यूब चैनल होम्योटेस्ट में खुश आमदेद कहता हूँ। आज की हमारी होम्योटेस्ट का मौजू है जी, तीसरे माह के बाद इसकाते अमल का ख़तरा, यानी तीसरे माह के बाद मिसकैरेज का ख़तरा हो तो उसके लिए कार करे। इसके लिए सबसे पहले जो मेडिसन है जी, वो है जी सबाइना। सबाइना 30% में इस्तेमाल करनी है, और तीसरे माह अगर अम्बल गिरने का खतरा हो और सबाइने को जो अलामात जो सिम्टम के अम्बल के तीसरे माह अम्बल गिरने का खतरा हो, और इसमें क्या होता है कि स्पॉट लगता है, सुर्ख ब्लड का दाग लगता है, और बच्चेदानी कमज़ोर होने की वजह से सुर्ख खराज खून होता है, और जो तिकोनी हड्डी है उसके अंदर दर्द होता है और दर्द जो है पेड़ तक जाता है। तो ऐसी ख्वातीन के लिए सबाइना फौरी तौर पर आपने 30% में दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल करानी है, तो ये इंशाल्लाह जो अमल गिरने का ख़तरा है वो थम जाएगा, रुक जाएगा। और इसके साथ आपने कालूफाइलम 200, ये आपने 5 दिन के बाद 200 एक खुराक इस्तेमाल करानी है अपनी मरीज़ा को। कालूफाइलम जो है ये इसकाते हमल का जो मुस्तकिल ख़तरा और रुझान होता है उसको ख़त्म करने के लिए ये लाजवाब दवाई है। ये आपने 5 दिन के बाद 200 की सिर्फ एक खुराक देनी है। और इसके साथ तीसरी जो मेडिसन है वो है जी सैक्रोफ्लोरिया नोडोसा, ये 30% में दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल करनी है, तो ये तीसरे माह जो हमल गिरने का ख़तरा होता है उसको कम करती है, और उसका कला कम करती है, और रैम को ये ताकत देती है, और वो ख्वातीन जो हमले और खून की कमी का शिकार है तो उनके लिए भी ये लाजवाब दवाई है। तो आपने करना ये है कि सबाइना 30% में और सैक्रोफ्लोरिया नोडोसा ये 30% में दोनों मिला के दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल करने, और साथ जो कालूफाइलम है वो 200% में 5-6 कतरे 4-5 दिन के बाद एक खुराक, और ये मुसलसल इस्तेमाल करानी है जब तक मरीज़ा प्रेगनेंसी वाली वो बिल्कुल ठीक ना हो जाए और दाग लगना ख़त्म ना हो जाए और उसका रहम मजबूत ना हो जाए। तो इंशाल्लाह ये तीसरे माह के बाद जो ख़तरा थे तीसरे चौथे माह उसके ख़तरे को कम करेगी और मुस्तकिल जो रुझान है उसको ख़त्म कर देगी। तमाम मेडिसन डिस्क्रिप्शन दे देंगी, या वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, अपने कमेंट्स लाजमी दीजिए ताकि फीडबैक मिलता रहे। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि नित नई वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। तो अगले प्रोग्राम तक मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।